बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़यात बताएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुबतला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है, उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक और अल्लाह ताला ने किस तरह उन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवी भी थी। उस कौम की इखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने और मरने के लिए तैयार होते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हजम करते। कमज़ोरों पर जुल्म ढाते। बुतों की पूजा करते। उस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ऐ कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगम्बर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊँ। लोग उनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो, हमें उनकी पूजा से न रोको। हम तो खुशहाल हैं लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो उसकी दलील पेश करो, कोई मुजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ तुम क्या मुजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि उनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्तेफाक राय से कहा कि तुम उन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के जाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया, उसी साथ के अंदर बच्चा भी जना, ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ताला ने पूरा कर दिखाया, क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे। काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। उसका चलना फिरना दो भर कर दिया था और अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत न पहुँचाओ, उसे चढ़ने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो, वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा न रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। उसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क न आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है, ये सब कुछ उसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज न आई, न हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आपको मिली तो आप सदमे से निढाल हो गए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आपने अपने कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम उस अजाब से न बच सकोगे। उसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। उस कड़क की और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हिलाक हो गई। जो लोग आप पर ईमान लाए थे अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौम समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हिजाज और शाम के दरमियान सामान्य इबरत के निशानात छोड़ गए।
غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندھنے کے لیے پانی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے کچھ لمحے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔